सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सरगम के चाहने वालों को, मीठे मधुर गीतों के कद्रदानों को कमल शर्मा का नमस्कार। श्रोताओ, सरगम के सात सुरों के ताने बाने से अनगिनत रेशमी गीतों को बुनने वाले, दिलों में हमेशा के लिए बस जाने वाली धुनों को अपनी प्रतिभा से तराशने वाले संगीतकार चित्रगुप्त और उनके संगीत से सजे संवरे गीत हैं हमारे आज के सरगम के सितारे। जागी वसले यार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसले यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना। बढ़कर एक नायाब नशीले गीत फिल्म संगीत के चाहने वालों की नजर किए चित्रगुप्त ने। इन गीतों की सुनहरी आभा आज भी वैसी ही है जैसी भी थी। इनका जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है और जब कभी इन गीतों को लम्हे गुनगुनाते हैं, संग संग हम भी गुनगुनाने लगते हैं।
चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था, चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया। तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था, चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवां, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है जमीन। प्यार कितना जवां, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है जमीन, थम गई है जमीन। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था, चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था, चांद जाने कहाँ खो गया। दिलों की है मंजिल यहाँ, दो दिलों की है मंजिल यहाँ। तुम न आते तो हमको भी आना न था, चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया। तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था, चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। मैंने कितनी फिल्मों में संगीत निर्देशन किया और कितने गीत हिट हुए, इसका हिसाब तो कभी कभी मेरे बच्चे लगाते हैं। मुझे तो इसी से संतोष मिलता है जब कोई कहता है कि आपका वो गीत सुना और अच्छा लगा। हम कर्म पर विश्वास रखते हैं, कर्म करते हैं और फल जो भी मिलता है उसे स्वीकार करते हैं। अब आप लोग शायद कोई गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपको पहले ये गीत सुनवा रहा हूँ। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी
मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। तुम इसको प्यार समझो, तुम इसको चाहत का नाम दे लो। लेकिन जमाने वाले इसको खता कहेंगे, इसको खता कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। मुस्कुरा के ये सब नजारे, उल्फत में दो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। जैसे आप अपने मनपसंद गीतों को बार बार सुनना चाहते हैं, वैसे ही हम संगीतकार अपने मन चाहे गीतों को बार बार सुनना पसंद करते हैं। चित्रगुप्त के संगीतबद्ध के गीतों में कविता का सौंदर्य, स्वरों का लालित्य और संगीत का माधुर्य रचा बसा है। इनकी छुहन से हमारे सपने नींद से जाग उठते हैं, हमारी उमंगें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं और हमारी हसरतें गाने लगती हैं। कहीं भी रहूंगी मैं हूं तेरी छाया।
देर से हम जो गीत बनाते हैं वो कहानी की सिचुएशन के हिसाब से। हमारे एक प्रशंसक हैं जो हमको एक मीठी धुन बनाने वाले संगीतकारों की श्रेणी में रखते हैं। जहां थोड़ा लाउड गाना हुआ वो नाराज हो जाते हैं। उनको मैंने समझाया कि भाई साहब, मुझे जब तूफान और बिजली में तूफानी हीरोइन का गाना देना था तो मैंने ये दिया, मैं हूँ तूफान मैं हूँ बिजली हमसे जो कोई टकराए। अब आप बताइए कि अगर उस सिचुएशन पर मैं ये देता, ये मीठा गाना देता, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, तो आप बताइए कि पिक्चर में कैसे जमेगा। और सिचुएशन में अगर अंग्रेजी हिंदुस्तानी जोड़ी जमानी हो तो मजरू मन्ना डे और आशा भोसले का ये गाना देना ही पड़ेगा। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सही बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारे है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से मुखड़े पे लाज का आंचल वाला हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी संगीतकार बंधुओं के रूप में आनंद मिलिंद की जोड़ी ने सुरीले संगीत की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जो उन्हें अपने संगीतकार पिता चित्रगुप्त से ही एक सुरीली विरासत के रूप में मिली है। अपने संगीत सर्जक पिता के कई यादगार रचनात्मक पहलुओं को इस जोड़ी ने देखा है। इसी जोड़ी के संगीतकार मिलिंद ने टेलीफोन पर हमें बताया, कई बार लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग के साथ कंपेयर किया जाए तो मतलब कंपैरिजन क्या बनता है, तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि वो इतने टैलेंटेड थे कि हम लोग उनके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते। लोग कहते हैं कि वो ज़माना अलग था, मेकर्स अलग थे, संगीतकारों पे मेकर्स को ज़्यादा विश्वास था और अपना स्टाइल हर एक संगीतकार दे सकता था। ये भी सही है, आजकल का माहौल काफ़ी बदल गया है, लेकिन एज अ कंपोज़र पापा के कॉम्पोजिशंस आनंद को और मुझे बहुत पसंद है और इतने टैलेंटेड थे, इतना सीखा हुआ था उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक, गाते बहुत अच्छा थे और कॉम्पोजिशंस में उनके वैरायटी बहुत थी, हर एक किस्म का हर एक टाइप का गाना उन्होंने कंपोज किया। मिलिंद जी, हाँ जी, रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर संगीतकार के लिए, गायक के लिए, वो उसकी पूर्व तैयारी जो है चलती रहती है, उसके पूरे जीवन में चलती रहती है। कुछ याद है अपने पापा के बारे में, वो कितने बजे उठा करते थे और कैसे घर में मतलब संगीत का माहौल कैसा था, खास उसे अगर रियाज की बात करें तो? पापा सुबह बहुत जल्दी उठते थे और स्पेशली लेटर इयर्स में जब उनकी
तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती थी। डॉक्टर ने कहा था वॉक करने, तो वॉक शुरू किए थे, मगर काफी पहले अर्ली इयर्स में, 62, 63, 64, 65 में मैं 6 साल का था, और मुझे काफी क्लियरली याद है कि 1965 के आसपास, उन सालों की बात, कि पापा जल्दी उठ के रियाज करते थे रोज सुबह म्यूजिक रूम में बैठ के। अब पहले अपना यू नो यूज़ टू प्रैक्टिस सरगम वगैरह, और फिर कोई भी एक राग पकड़ के उस मॉर्निंग राग में देर तक गाते थे। घर कहाँ था उस वक्त? यही है खार में, बिल्डिंग का नाम है प्रभात। अच्छा। और जो ग्राउंड फ्लोर पर पापा का म्यूजिक रूम था, वही म्यूजिक रूम में मदन मोहन जी ने 1952 से 1959 सेम म्यूजिक रूम में उन्होंने कंपोज किया। 1959 से 1986 पापा ने किया इन द सेम म्यूजिक रूम, और 82 में हम लोग ने करियर शुरू किया, तो करीब 93 तक जब तक हम शिफ्ट किए उसी म्यूजिक रूम में हम लोग भी थे। मतलब वो तो एक तरह से सुरों का तीर्थ स्थल है। बिल्कुल, ये माना जाए। बिल्कुल। चित्रगुप्त संगीतकारों की उस पीढ़ी से संबंधित थे जिस पीढ़ी के लिए संगीत के सुरों की साधना, साध, लगन और समर्पण की साधना भी थी। अपने गीतों में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए वो अपनी प्रतिभा और लगन के तप की सारी शक्ति लगा दिया करते थे, और प्राण प्रतिष्ठा भी ऐसी कि ये गीत अमर हो गए। पूछिए तो पिक्चर्स के मुताबिक हमें अंग्रेजी धुनों के टाइप की धुनें देने पर मजबूर होना पड़ता है, मगर मेरा मन नहीं मानता। ऐसी ट्यून्स बनाकर न तो आत्मा प्रसन्न होती है और न मन संतुष्ट होता है। हृदय के तारों को
वही संगीत छूता है जिसमें हिंदुस्तान की धरती की सुगंध हो, वो चाहे पंजाब की हो या बंगाल की, महाराष्ट्र की या बिहार की। लाल ओठवा से बरसे ललैया हो की रस चूरेला, जैसे अमावा का मजरा से रस चूरेला हो की रस चूरेला। लागे वाली बत्तिया ना बोल मोरे राजा हो करे जा चूरेला, तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला। भागलू तो हम के बोलावेला आचरवा, भागलू तो हम के बोलावेला आचरवा, अखिया चुरावेलू तो हसेला कजरवा, ओ हसेला कजरवा। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया डगर रोकेला, जहाँ जाई तहाँ लोगवा डगर रोकेला हो की रस चूरेला, जैसे अमावा का मोजरा से रस चूरेला हो की रस चूरेला। हो करे जा चूरेला तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा चूरेला। दोस्तों, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में सरगम के सितारे हैं संगीतकार चित्रगुप्त। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। आ, 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 आ,
वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है, ये रात है या कोई सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले, मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। चित्रगुप्त एक उम्दा संगीतकार ही नहीं, एक अच्छे पिता और एक बेहतरीन इंसान भी थे। संगीतकार पुत्र मिलिंद फरमाते हैं, एक तो पापा बहुत लिटरेट थे, उस जमाने में एमए किया था उन्होंने, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में एमए थे, तो उनके जो व्यवहार और बात करने का जो तौर तरीका था बड़ा कल्चर्ड था, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, कभी किसी से जोर से नहीं बोलते थे, बड़े प्यार से लोगों को समझाते थे, चाहे सिंगर्स हों, चाहे राइटर्स हों, चाहे फैमिली पीपल हो, धीरे धीरे अपने एकदम सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट वॉइस में बात करते थे, और हर एक के साथ उनको बहुत लगाव और प्यार बहुत जल्दी हो जाता था, और स्पेशली फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे, जब भी रिकॉर्डिंग से फ्री होते थे तो हमेशा घर पे टाइम स्पेंड करते थे। हमारी दो बड़ी बहनें सविता और सुधा, और फिर आनंद और मिलिंद, इस तरह से हम लोग घर में, तो चारों बच्चे, पापा मम्मी, बचपन में मुझे याद है कि लोनावला में बंगला लिया था उन्होंने, तो हर सैटरडे संडे हम वहाँ जाते थे, बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि आनंद और मुझे पापा स्कूल से पिकअप करते थे रास्ते से ही, तो सैटरडे इट वुड बी अ बिग सरप्राइज फॉर अस, पता नहीं रहता था कि ऐसा प्रोग्राम है, और सडनली देखते थे गाड़ी में सब बैठे और लोनावला जा रहे हैं, और सारे लोग गाते हुए जाते थे, 60s के काफी अंग्रेजी गाने जैसे क्लिफ रिचर्ड के गाने या कॉनी फ्रांसिस के गाने, ये सब भी पापा खूब सुने हुए थे, और हम लोग सब भी काफी इसे सुनते थे उस जमाने में, तो हम लोग सब गाते हुए जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे। उनका जब डेथ हुआ तो हम लोग को कई रोज, कई महीने, कई साल तक ऐसा अभी तक ये लगता है कि पूरा ऊपर से छत जैसे निकल गया। चित्रगुप्त के जाने से क्षति फिल्म संगीत ने भी बहुत उठाई, और संगीत रसिकों ने खोया अच्छी धुनों के एक सृजनशील कलाकार को। उनके चले जाने का दुख कम कर पाते हैं तो बस उनके मीठे मधुर गीत। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे, ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे, तड़पाओगे तड़पा लो। कब तक जा
पर्दा तड़पाओगे तड़पा लो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे तड़पाओगे तड़पा लो संगीतकार मिलिंद की स्मृतियों में अपने प्रतिभाशाली पिता चित्रगुप्त से जुड़े कई यादगार प्रसंग दर्ज हैं। कई बार मुझे याद है कि सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी, तो हम लोग के घर पे कई मीटिंग्स होती थी जिसमें खाना वाना भी पकता था, लोग बैठ के डिस्कस करते रहते थे, खाना वाना भी खाते रहते थे। और राइटर्स मुझे याद है बचपन में मैं जब स्कूल से आया करता था तो मैं कई बार देखता था कि बख्शी साहब बैठे हैं बाहर बरामदे में, उस वक्त उनको शायद ब्रेक नहीं मिला था, और अंदर ड्राइंग रूम में आता था तो देखता था कि प्रेम धवन बैठे हैं गाना लिख रहे हैं, और एक और जो म्यूजिक रूम था हम लोग का वहाँ अंदर आता था तो देखता था कि मजरू साहब बैठे हैं। तो प्रेम धवन से पापा क्लोज थे, मजरू साहब से भी बहुत क्लोज थे, लता जी से बहुत क्लोज थे हम लोग, लता जी कह के पुकारते नहीं है, लता आंटी कहते हैं हमेशा। और शायद लोगों को कमी लोगों को मालूम होगा कि मेरा नाम लता आंटी ने रखा है मिलिंद, इसलिए महाराष्ट्रियन नेम है, हालांकि वी हेल फ्रॉम बिहार। अच्छा संगीत क्या है, कानों में रस घोलने वाली धुनें कैसी होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए आम और खास के होठों पर थिरकने वाले गीतों को, ऐसी कितनी ही कीमती बातें चित्रगुप्त अपने बेटों को समय समय पर बताया करते थे, समझाया करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि जितना मेलेडी पे कंसंट्रेट कर सको उतना करो, और ट्राई टू कंपोज सॉन्ग्स जो सुनने में अच्छा लगे और जो मतलब काफी टाइम तक चले। और हम लोग जब संगीतकार बन गए तो एक चीज उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि ही नेवर इम्पोज्ड एनीथिंग ऑन अस, हम लोग को काफी फ्री छोड़ दिया कि आप लोग अपने हिसाब से बनाइए। और जब हम लोग ने काफी स्टॉक ट्यून्स इकट्ठे किए कंपोज किए तो एक दिन बैठ के उनको सुनाया, तो सुन के उन्होंने कहा कि ये आपका कलर है, दिस इज योर कलर, इट इज नॉट लाइक माइन, और मैं यही चाह रहा था कि तुम लोग का अपना इंडिविजुअल कलर हो, अदरवाइज मेरा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ जाता, क्योंकि जमाने के हिसाब से फिर बदलना भी पड़ता है। संगीतकार मिलिंद से हमने जब ये सवाल किया कि उनके पिता चित्रगुप्त के मनपसंद राग कौन से थे तो उनका जवाब था, एक्चुअली उन्होंने हर एक राग में कंपोज किया, कलावती में गाने दिए और मालकोस में दिया, ऐसा कोई पर्टिकुलर राग नहीं था जो उनको बहुत पसंद था, लेकिन हर एक राग में उनके कई गाने पॉपुलर हुए। आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है? आनंद को और मुझे, पापा के बहुत से गाने पसंद है, और ऐसे अगर याद करें तो शायद लिस्ट आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट थॉट पे माइंड में आते हैं गाने, उसमें एक तो बहुत ही पसंद है जाग दिले दीवाना, फिर
दिल का दिया जला के गया, आकाशदीप लता जी। फिर एक गाना था रफी साहब गए थे, मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। रफी का गाया ये गीत फिल्म आकाशदीप से था। इसी फिल्म का एक और गीत बड़ा मशहूर हुआ जिसके बोल हैं, दिल का दिया जला के गया। लता जी की आवाज में ये गीत है और इस गीत की कुछ खूबियां गिनाते हुए संगीतकार मिलिंद। दिल का दिया में रेयर बात ये है कि लता जी, लता आंटी ने गाने को एकदम हस्की गाया, सॉफ्ट हस्की टोन में, और उस टोन में उन्होंने बहुत ही कम गाने गए। बिल्कुल सही बात है, गिने चुने गाने। जनरली फुल थ्रोटेड सिंगर ऑलवेज सिंग्स फुल थ्रोटेड। बिल्कुल सही बात, और ये तो हस्की फील दी है, बहुत ही कमाल था। प्यार
जागी आँखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में, दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई कर देने वाले इन मीठे गीतों का राज अगर अच्छी और दिलकश धुन है तो शायद उतना ही श्रेय इनके बोलों को जाता है। पोइट्री को पापा बहुत ज्यादा अहमियत देते थे और कहते थे कि इट कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 50% ऑफ अ सॉन्ग। अच्छी राइटिंग अगर गाने में हो तो गाना बहुत बड़ा हिट होता है। मुखड़ा जब सुनते हैं लोग तो शब्द याद अगर हो जाए तो गाना बहुत बड़ा हिट होता है। कई बार ऐसा होता था कि कुछ ट्यून कंपोज करते थे और उसमें बोलों के साथ कंपोज करते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि वही बोल फाइनल रिकॉर्डिंग में भी रहे, पूरा पूरा मुखड़ा नहीं लेकिन मे बी एक लाइन। संगीतकार चित्रगुप्त चूंकि खुद भी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे इसलिए अपने बेटों आनंद और मिलिंद को उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद ही संगीत से पूरी तरह जुड़ने की सलाह दी। इनिशियली उन्होंने अलाउ नहीं किया हम लोग को, हमारे घर में ये बैंड था कि हम लोग रिकॉर्डिंग में नहीं जा सकेंगे, तो उनका कहना ये था कि पहले तुम लोग अपना ग्रेजुएशन करो और उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है, या फिल्मी मैगजीन्स पढ़ना घर पे मना था। एक दो रिकॉर्डिंग मुझे याद है बचपन में जब बहुत तंग की हम लोग, पापा हमको देखना है तो एक आध बार ले गए थे। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा उदास, टूट गइल डालिया चितर गइल कोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा उदास। छल छल नैना निहार चुप चिरई, चलली विदेशवार मैया के दुलारुई। छल छल नैना निहार चुप चिरई,
चल ली विदेशवार मैया के दुलारुई आसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला आसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला धार गईन हम तोर पास सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम चिरई के जियावा उदास खत रही गैली संग के सहेलिया ले गैल बांध के निठूर रे बहेलिया बेल खत रही गैली संग के सहेलिया ले गैल बांध के निठूर रे बहेलिया मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के छोड़ दे मिलन के तुआ सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम संगीतकार चित्रगुप्त आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अनगिनत मीठे और प्राणवान गीत उनकी उपस्थिति को हमारी स्मृतियों में जीवंत रखेंगे। लागी छूटे ना अब तो सनम लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना अब तो सनम पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया तो प्यार किया तेरी कसम लागी छूटे ना हाय लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना अब तो सनम फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा सोच लिया जी सोच लिया तेरी पसंद लग
लागी छूटे ना, अरे लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया तेरी पसंद, लागी छूटे ना अब तो सनम। सरगम के सितारे। इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे संगीतकार चित्रगुप्त के संगीतबद्ध किए गीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे और प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगम के सितारे।